हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के एक खास टॉपिक कह लीजिए या उसके एक खास स्टोरी पार्ट पे मैं आप सभी से अपने विचार शेयर करने आई हूँ, जो कि मैं आती ही रहती हूँ। तो ये है राशि का प्रॉब्लम। आप इन दिनों सीरियल में लगातार देख रहे होंगे कि राशि के ऊपर एक लड़का नज़र रखे हुए है और बराबर उसे वो मैसेज करता रहता है। अभी उस लड़के के चेहरे को डिस्क्लोज कर दिया गया है पब्लिकली, यानी कि ऑडियंस के ऊपर, पर राशि नहीं जान रही कि वो कौन है। और सबसे बड़ी बात जो है, अभी तक किसी भी एपिसोड में ये नहीं दिखाया गया है फ्रेंड्स कि राशि के साथ जो ये हो रहा है कि कोई लड़का उसे बराबर मैसेज करता रहता है, ट्रोल करता रहता है, ये अभी पुष्पा भी नहीं जानती है। और बीच के एक एपिसोड में ये दिखाया गया था कि अश्विन और दीप्ति को वो बताती है तो वो लोग पुलिस स्टेशन में इसका कंप्लेंट करते हैं, लेकिन पुलिस इसके ऊपर क्या करती है नहीं करती है इसे भी अभी तक किसी भी एपिसोड में नहीं दिखाया गया है। हाँ, ये जरूर हर एपिसोड में दिखाया जा रहा है लगभग कि वो लड़का अभी भी राशि को परेशान कर रहा है और राशि अपने फ्रेंड्स के साथ उसे रंगे हाथ पकड़ने के लिए प्रयासरत है, लेकिन वो पकड़ा नहीं रहा है। और रोज डे, यानी कि कल के एपिसोड में ये दिखाया गया है कि रोज डे में भी वो आ गया है। हालांकि बीच में एक बार राशि गलती से एक लड़के को पकड़ती है, लेकिन वो उसका फ्रेंड शय में निकलता है। और कल के एपिसोड में आपने देखा कि रोज डे में जब राशि पिंक कलर की साड़ी में आती है और उसके सारे फ्रेंड्स भी रोज डे में पिंक कलर के कपड़ों में आते हैं, उसकी जो बाकी सहेलियाँ वो लोग भी साड़ी में आती हैं, तो कोई है जो राशि के लिए बुके भेजता है कॉलेज के प्यून से, और वो बुके देता तो है वो प्यून, लेकिन ये नहीं बता पाता है कि ये किसने भेजा है। तो ये उसी लड़के ने भेजा है। फिर वो बाद में आप देखेंगे बाद में कि वो लड़का आता है और बाकी जो उसके फ्रेंड्स हैं सभी को एक एक गुलाब देता है। और इसी बीच वो जो लड़का है, हालांकि राशि जानने की लगातार कोशिश कर रही है, उस प्यून से भी वो पूछती है, वो नहीं क्लियर बताता है, वो अपने फ्रेंड्स को भी बोलती है। काफ़ी परेशान दिखाया गया राशि को, वो इधर उधर देखती है और देखिए कि अभी भी राशि और उसके फ्रेंड्स जो हैं इधर उधर उसको खोज रहे हैं, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। उसके बाद वो लड़का आता है, सभी को गुलाब देता है। हम सभी ऑडियंस की ये उत्सुकता बनी हुई है कि आखिर वो लड़का है कौन। तो फ्रेंड्स, मेरे दिमाग में ये विचार आया कि इस लड़के का कनेक्शन इस सीरियल के किसी भी विलेन से तो नहीं निकल रहा है, और अगर वो लड़का सही मायने में राशि से प्यार करता है तो ये प्यार करने का कोई तरीका भी नहीं है। हाँ, एक विचार है जो मेरे मन में आया तो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, और वो विचार है कि ये लड़का कोई साइको तो नहीं है। आपने कई सारी फिल्मों में और इसके पहले की भी सीरियल में आपने देखा होगा कि कई लोग किसी से जब प्यार करते हैं तो उनको साइको प्रॉब्लम हो जाती है, उस लड़की का बार बार वो पीछा करते हैं। और ये प्रॉब्लम लड़के या लड़की किसी को भी हो सकती है और किसी भी उम्र में हो सकती है। फिलहाल तो यहाँ पे आप देखिए कि राशि और उसके फ्रेंड्स जो हैं उसे खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, मैं ये कह रही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लड़का राशि को बराबर ट्रोल कर रहा है, कहीं ना कहीं ये कोई साइको है। यानी कि राशि से प्यार करता है लेकिन उसे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तब तो वो इधर उधर से उसे मैसेज करता रहता है, वो सामने क्यों नहीं। अभी भी आप देखिए, वो उसे गुलाब दे रहा है। राशि को हालांकि शक हो रहा है उसके ऊपर कि कहीं ये वही तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो अपना परिचय सीनियर स्टूडेंट के रूप में देता है और कहता है कि तुम जूनियर्स के लिए आज का रोज डे के लिए मैं तुम लोगों को रोज दे रहा हूँ, तुम लोग अच्छे से ये रहो, मैं सीनियर हूँ, कोई प्रॉब्लम है हो तो मुझे बताना। बट इस लड़के की जो एक्टिविटी दिखाई जा रही है अभी के एपिसोड में, उससे मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि राशि और इस लड़के के बीच में साइको प्रॉब्लम दिखाया जाएगा। यानी कि ये लड़का कोई साइको है और वो राशि से प्यार करता है लेकिन साइको टाइप से, साइको प्रेमी है, यानी कि साइको लवर है। तो फ्रेंड्स, मेरा विचार कैसा लगा आप सभी को ये तो मुझे बताइएगा ही। और हाँ, सीरियल के अंदर ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि पुष्पा को भी ये बात मालूम है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं राशि भी कहीं ना कहीं इस बात को खुद के हाथ में रख के गलत ही कर रही है, उसे परिवार में बताना चाहिए
और परिवार के लोगों को भी थोड़ा सीरियस होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, राशि और उस लड़के का मामला आगे जाके आने वाले एपिसोड में बहुत सीरियस रूप लेने वाला है। तो हम लोग आगे के एपिसोड देखेंगे और देखेंगे कि हमारे कहानीकार, हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर इसे किस तरह से ट्विस्ट करते हैं और हमें इसे दिखाने के लिए किस तरीके से हमारे सामने इसकी कहानी को लाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर आऊँगी अपने किसी नए विचार के साथ, इस सीरियल से जुड़े हुए विचार के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।